वायुसेना के लिए यूपीए सरकार ने हवाई जहाज खरीदने का काम किया। फ्रांस की कंपनी से वायुसेना का कॉन्ट्रैक्ट था, 126 हवाई जहाज खरीदने थे और यूपीए सरकार ने फ्रांस की सरकार से, फ्रांस की कंपनी से नेगोशिएशन कर करके 526 करोड़ रुपए में एक हवाई जहाज खरीदा। एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, बेंगलोर में है। 70 साल से वो हवाई जहाज बना रहे हैं। मेघ हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज, जैगवार हवाई जहाज, जिससे देश की रक्षा होती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, नरेंद्र मोदी जी स्वयं जाते हैं फ्रांस और पता लगा लीजिए उनके डेलीगेशन में उनके साथ अनिल अंबानी जी फ्रांस जाते हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीनते हैं और अपने मित्र अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अब मजे की बात सुनिए, यूपीए सरकार ने 526 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज का रेट रखा था। नरेंद्र मोदी जी के नए कॉन्ट्रैक्ट में 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज का रेट रखा गया। अनिल अंबानी जी पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। अनिल अंबानी जी ने अपनी पूरी जिंदगी हवाई जहाज नहीं बनाया, मगर नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं बिना डिफेंस मिनिस्टर से पूछे अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। यूपीए सरकार ने 126 हवाई जहाज खरीदे थे, जितना पैसा 126 हवाई जहाज को खरीदने में लगा उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 36 हवाई जहाजों को खरीदने में लगाया। और यह मैंने नरेंद्र मोदी जी से स्वयं पूछा, पार्लियामेंट हाउस में पूछा, जैसे आपके सामने मैं खड़ा हूं, आंख में आंख मिला के मैंने पूछा, नरेंद्र मोदी जी मेरा एक जवाब, दो तीन जवाब दे दीजिए, अनिल अंबानी को आपने यह कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से आपने यह क्यों कॉन्ट्रैक्ट छीना, और जो हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए का था उसको आपने 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा। आप डिबेट की वीडियो टेप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मुझसे आंख में आंख नहीं मिला पाए। मैं सवाल पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी यहां देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, मगर आंख में आंख नहीं मिला सकते हैं।